हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 12, इंद्रधनुषी गुलाब। यह एक व्यंग कहानी है। यहाँ सात रंगों वाले गुलाब की बात की गई है। उत्तर भारत में जिस तरह अकबर और बीरबल के किस्से बड़े शौक से सुने सुनाए जाते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के किस्से मशहूर है। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी है। तेनालीराम एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। देखा जाए तो तेनालीराम आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए थे। वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। कठिन शब्द सुगंधित यानी कि खुशबूदार, फ्रेग्रेंट, समीप उसका मतलब होता है नजदीक, नियर। आश्चर्य यानी कि ताजुब, वंडर। प्रशंसा यानी कि बड़ाई। प्रेज, सुझाव दिया यानी कि सूचित, टू सजेस्ट। अद्भुत यानी कि निराला। वंडरफुल, शोभा यानी कि सुंदरता, ग्रेस। शब्द अर्थ लगाव यानी कि प्रेम, रुचि, अटैचमेंट। पुरस्कार उसका मतलब होता है इनाम, प्राइज। उत्सुकता यानी कि कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। दर्शनीय यानी कि देखने योग्य, विजिबल। सज्जित यानी कि सजा हुआ, डेकोरेट। पंखुड़ी यानी कि फूल की पत्ती, फ्लावर पेटल। इंद्रधनुषी यानी कि सात रंगों का, रेनबो। इस पाठ में जो प्रथम चित्र आप देख रहे हो उसमें राजा कृष्णदेव राय दिखाई दे रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय को फूलों से बहुत लगाव था। उनके पास जल मंत्री दिखाई दे रहे हैं। जल मंत्री कृष्णदेव राय से कह रहे हैं कि महाराज समीप के ऊपर में एक इंद्रधनुषी गुलाब निकला है, उसकी शोभा निराली है। तो राजा बोले चलो अभी चलते हैं इंद्रधनुषी फूल देखने। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो तेनालीरामा नजर आ रहे हैं। वे बहुत चतुर व्यक्ति थे। वे सोच रहे हैं कि लाल, पीले, गुलाबी, सफेद इन गुलाबों को तो देखा है, कहीं कहीं काले गुलाब भी होते हैं। दो रंग के भी दिखाई दे जाते हैं, कभी गहरे और हल्के रंग के भी, पर इंद्रधनुषी गुलाब, सातों रंग एक गुलाब में। तेनालीराम सोच में पड़ गए। तीसरे चित्र में आप देख रहे हो माली, राजा, तेनालीराम और जल मंत्री दिखाई दे रहे हैं। राजा इंद्रधनुषी गुलाब देख रहे थे और उस गुलाब की एक एक पंखुड़ी और रंग की प्रशंसा कर रहे थे। चौथे चित्र में आप देख रहे हो तेनालीरामा कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। वे बड़े ध्यान से उस गुलाब को देख रहे थे, तभी उनकी दृष्टि उस पौधे की एक कली पर गई। कली बाहर से हरी थी पर उससे झांकती पंखुड़ी सफेद। तेनालीरामा सब समझ गए। पांच नंबर का जो चित्र आप देख रहे हो उसमें तेनालीराम राजा से बोल रहे हैं कि महाराज रुकिए, रुक जाइए, अभी पुरस्कार न दे। सब तेनालीराम का मुंह देखने लगे। माली और जल मंत्री कुछ भयभीत लगे। तेनालीराम ने
पास रखा जल का डोल उठाया और सारा पानी फूल पर उंडेल दिया यानी कि डाल दिया। लो यह क्या, सारा रंग धुलकर नीचे भाग गया। देखा महाराज कहाँ गई इंद्रधनुषी गुलाब के रंगों की शोभा। क्या दिया जाए इन्हें पुरस्कार, अब आप ही सोच ले। अब तब हम इस पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। तेनाली रामा की बुद्धिमता के अनेक किस्से प्रसिद्ध है, उनमें से एक आप भी पढ़कर देखो। राजा कृष्णदेव राय को फूलों से बहुत लगाव था। राजा कृष्णदेव राय को किससे लगाव था, फूलों से। वह फूलों से बहुत प्रेम रुचि रखते थे। मैसूर राज्य में स्थान स्थान पर ओपन लगा दिए गए थे। मैसूर नामक एक राज्य था, वहां जगह जगह पर ओपन यानी कि बगीचे लगा दिए गए थे। इन बगीचों में दूर दूर से फूलों की पौंद मंगवा कर तरह तरह के फूल लगाए गए। इन बगीचों में क्या किया, दूर दूर से फूलों की पौंद मंगवा कर तरह तरह के फूल लगाए गए। सारा राज्य रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुगंधित रहता था। सारा राज्य फूलों की खुशबू से सुगंधित रहता था। कृष्णदेव राय स्वयं घूम घूम कर उपवनों की देखरेख का प्रबंध देखते। कृष्णदेव राय क्या करते, स्वयं घूम घूम कर उपवनों की देखरेख का इंतजाम देखते। राजा का फूलों से लगाव देखकर राज्य के मंत्री अनोखे फूलों के बीज और पौंद मंगवाते रहते। राजा उन्हें मुंह मांगा पुरस्कार देते। राजा का फूलों से लगाव देखकर राज्य के मंत्री क्या करते थे, अनोखे फूल मंगवाते और उसके बीज और पौंद मंगवाते रहते। राजा उन्हें एक दिन बातों बातों में जल मंत्री ने कृष्णदेव राय को बताया, महाराज समीप के उपवन में एक इंद्रधनुषी गुलाब निकला है, उसकी शोभा निराली है। एक दिन जल मंत्री कृष्णदेव राय से बात कर रहे थे और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज नजीक के उपवन में एक इंद्रधनुषी गुलाब निकला है, उसकी शोभा अनोखी है। कृष्णदेव वह इंद्रधनुषी फूल देखने की उत्सुकता न दबा सके, बोले चलो अभी चले। कृष्णदेव राय ने जल मंत्री से कहा चलो अभी हम वह फूल देखने चले। जल मंत्री बोले नहीं महाराज, मैं पहले उपवन के माली से बात कर लूं, फिर निश्चित समय पर सब चलेंगे। लेकिन जल मंत्री ने महाराज से कहा कि अभी नहीं, पहले मैं उपवन के माली से बात कर लूं, फिर तय किए गए समय पर सब चलेंगे। उस समय तेनाली राम भी वहीं थे। उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, लाल पीले गुलाबी सफेद इन गुलाबों को तो देखा है, क्या हुआ। कृष्णदेव राय और जल मंत्री बात कर रहे थे, वहां तेनालीराम भी उपस्थित थे। उन्हें कुछ आश्चर्य यानी कि अचरज हुआ कि लाल पीले गुलाबी सफेद इन गुलाबों को तो देखा है, कहीं कहीं काले गुलाब भी होते हैं, दो रंग के भी दिखाई दे जाते हैं। अब तेनालीराम सोचने लगे कि लाल पीले गुलाबी सफेद इन गुलाबों को तो देखा है और कहीं कहीं काले गुलाब भी होते हैं, दो रंग के भी दिखाई दे जाते हैं यानी कि दो रंग के भी गुलाब होते हैं, कभी गहरे और हल्के रंग के भी और कभी गहरे और हल्के रंग के भी होते हैं। पर इंद्रधनुषी गुलाब सातों रंगी गुलाब में, तेनालीराम सोच में पड़ गए। लेकिन तेनालीराम यह सोच रहे थे कि ऐसा गुलाब भी होता है इंद्रधनुषी गुलाब जिसमें सात रंग एक ही गुलाब में हो। तेनालीराम अब सोच में पड़ गए। दूसरे दिन प्रातः काल जाना निश्चित हुआ।
अपने सभी मंत्रियों और मित्रों के साथ कृष्णदेव उस दर्शनीय फूल को देखने चल पड़े। अब दूसरे दिन सबने तय कर लिया और राजा अपने सभी मंत्रियों और मित्रों के साथ वह यानी कि अनोखा फूल देखने चल पड़े। उपवन में इंद्रधनुष के सात रंगों से सज्जित उस बड़े से गुलाब को देख सभी दांतों तले उंगली दबा उठे। उपवन यानी कि बाग, बाग में इंद्रधनुष के सातों रंगों से सज्जित उस बड़े से गुलाब को देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा उठे। यहाँ दांतों तले उंगली दबाना यह मुहावरा है, उसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। राजा तो उस अद्भुत गुलाब की एक एक पंखुड़ी और रंग की प्रशंसा कर रहे थे। राजा तो उस अद्भुत गुलाब को देखकर उसकी एक एक पंखुड़ी और रंग की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज माली को कुछ पुरस्कार भी तो दे। तभी वो जल मंत्री था, उसने राजा से कहा कि महाराज अब आप माली को कुछ इनाम भी तो दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, पुरस्कार तो मिलेगा ही, पर माली को हमारे उपवन में ऐसे कई फूल उगाने होंगे। राजा ने बोला कि हाँ मैं उसे इनाम तो दूंगा, लेकिन माली को हमारे बगीचे में ऐसे और फूल लगाने होंगे। उसे अभी सोने के 1,000 सिक्के दिए जाते हैं। राजा बोले कि मैं माली को अभी सोने के 1,000 सिक्के देता हूँ। कृष्णदेव राय ने कहा, ऐसा किसने बोला? राजा कृष्णदेव राय ने। तेनालीराम कुछ चिंतित लग रहे थे, वे बड़े ध्यान से उस गुलाब को देख रहे थे। अब क्या हुआ, तेनालीराम उस फूल को लेकर बहुत चिंतित लग रहे थे। वे बड़े ध्यान से उस गुलाब को देख रहे थे और वे बहुत ध्यान से उस फूल को यानी कि गुलाब को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस पौंद की एक कली पर गई। तभी उनकी नजर पौंद की एक कली पर पड़ी। कली बाहर से हरी थी पर उससे झांकती पंखुड़ी सफेद। अब क्या हुआ, कली बाहर से तो हरी लग रही थी लेकिन उससे झांकती पंखुड़ी सफेद थी। तेनालीराम सब समझ गए। वह बोले, बिना ना रह सके, महाराज रुकिए, रुक जाइए, अभी पुरस्कार न दे। अब तेनालीरामा महाराज से बोले कि रुक जाइए महाराज, अभी माली को पुरस्कार न दे। सब तेनालीराम का मुंह देखने लगे। माली और जल मंत्री कुछ भयभीत लगे। अब क्या हुआ, सब वहां जो थे वह तेनालीराम का मुंह देखने लगे और माली और जल मंत्री डर गए कि तेनालीराम को सब पता चल गया। तेनालीराम ने पास रखा जल का डोल उठाया और सारा पानी फूल पर उंडेल दिया। तेनालीराम ने क्या किया कि पास में जल का एक डोल था वह उठाया और सारा पानी फूल पर उंडेल दिया यानी कि डाल दिया। लो यह क्या, सारा रंग धूलकर नीचे बह गया। तेनालीराम बोले, लो यह क्या हुआ, सारा रंग धूलकर नीचे बह गया। देखा महाराज, कहां गई इंद्रधनुषी गुलाब के रंगों की शोभा। अब तेनालीरामा महाराज से बोले कि कहां गई इंद्रधनुषी गुलाब की सातों रंगों वाली शोभा, क्या दिया जाए इन्हें पुरस्कार, अब आप ही सोच ले। तेनालीराम महाराज से बोले कि अब सब आपके सामने है तो इन्हें क्या पुरस्कार दिया जाए, अब आप ही सोच ले। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। क, राजा कृष्णदेव राय को किससे लगाव था? तो उत्तर है, राजा
कृष्णदेव राय को फूलों से लगाव था। ख, जल मंत्री ने कृष्णदेव राय को क्या बताया? तो उत्तर है, और हमने आगे पाठ में समझा वैसे ही, जल मंत्री ने कृष्णदेव राय को बताया कि पास के एक उपवन यानी कि बाग में इंद्रधनुषी गुलाब खिला है। ग, जल मंत्री की बात पर तेनाली राम को आश्चर्य क्यों हुआ? तो उत्तर है, जल मंत्री की बात पर तेनाली राम को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने कभी सात रंगों वाले गुलाब की बात नहीं सुनी थी, और सात रंग वाले गुलाब भी होते नहीं है। ग, दर्शनीय फूल को देखने राजा के साथ कौन कौन गया? उत्तर है, दर्शनीय फूल को देखने राजा के साथ सभी मंत्री और मित्र गए थे। ड, तेनाली राम को कैसे समझ में आया कि गुलाब इंद्रधनुषी रंगों का नहीं है? तो उत्तर है, तेनाली राम को पौंधे के साथ निकली एक सफेद कली देखकर समझ में आया कि अगर कली सफेद है तो फूल भी सफेद होने चाहिए। और मैंने आगे पाठ में बताया वैसे ही कि तेनाली राम उस गुलाब को देखकर चिंतित लग रहे थे। वे बड़े ध्यान से उस गुलाब को देख रहे थे, तभी उनकी दृष्टि उस पौधे की एक कली पर गई। कली बाहर से हरी थी, पर उससे झांकती पंखुड़ी सफेद, इसलिए तेनाली राम समझ गए। थैंक यू।